ग्राम पंचायत री में फोर लाइन सड़क निर्माण के चलते ग्रामीणों के रास्तों, सड़कों तथा अन्य नुकसान को लेकर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा, एसडीएम स्वारगढ़ सुभाष गौतम तथा तहसीलदार स्वारगढ़ चौधरी ने मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गौरतलब है कि फोर लाइन सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत री के अधिकतर गाँव प्रभावित हुए हैं। ग्राम पंचायत री में फोर लाइन सड़क निर्माण के चलते हुए ग्रामीणों के रास्तों, सड़कों तथा अन्य नुकसान को लेकर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा, एसडीएम स्वारगढ़ सुवास गौतम तथा तहसीलदार स्वारगढ़ चौधरी ने मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गौरतलब है कि फोर लाइन सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत री के अधिकतर गाँव प्रभावित हुए हैं। कई गाँव के पक्के रास्ते, संपर्क सड़कें, हैंडपंप तथा पंचायत द्वारा निर्मित जलाशय भी बर्बाद हो चुके हैं। हद तो तब हो गई जब फोर लाइन सड़क निर्माण में लगी कंपनी ने गांव गरा को जोड़ने वाले पक्के रास्ते व संपर्क सड़क को तहस नहस कर दिया। जबकि फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व ग्रामीणों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखने की बात हुई थी, लेकिन फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी ने ग्रामीणों को किसी भी सुविधा का ध्यान नहीं रखा। ग्राम पंचायत री के कई गाँवों को पैदल चलने के रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं। उपरोक्त संस्थाओं को जाने वाले संपर्क सड़क तथा रास्ते को तो तोड़ने की बात जब ग्राम पंचायत री के प्रधान कल्पना शर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस बात का विरोध सड़क निर्माण में लगी कंपनी के अधिकारियों के समक्ष उठाया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी, जिसके चलते इस बात की शिकायत उन्होंने स्थानीय प्रशासन के पास की, जिसके चलते एसडीएम स्वारगढ़ सुवास गौतम, तहसीलदार स्वारगढ़ चौधरी तथा पूर्व विधायक मौके पर पहुंचे। निर्माण के कारण यहां स्थानीय जनता को समस्याएं आ रही थी, उनके दृष्टिगत जिला प्रशासन और फोरलाइन कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया था मौके पर, और सारा जो है विजिट किया है। तो जो दिक्कतें लोगों की है कि इस फोर लेन सड़क बनने से जो गांव के संपर्क के लिए रास्ते हैं, लिंक रोड हैं, वो सारे ख़राब हो जाएंगे, उनका प्रावधान किया जाए, ये लोगों की मांग है। और कंपनी के अधिकारियों को कहा गया कि इसका प्रावधान करना पड़ेगा। उनका कहना है कि NHAI से ही हमें जब परमिशन मिलेगी तो वो ऐसा करेंगे। तो SDM साहब NHAI के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, जल्दी उनकी विजिट यहाँ पर होगी और ये समस्याएं उनके ध्यान में लाई जाएंगी और इन सब का निराकरण समाधान होगा, तभी फोर लेन सड़क निर्माण का काम आगे बढ़ेगा। थैंक यू।